हमारी जो राधे है ना उसको साथ में एंटरटेनमेंट के लिए कुछ चाहिए हो रहा है। राधे 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 असली ठाट तो मेरी राधे के हो रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों उसका फाइनल रिजल्ट कैसा निकलता है। राधे राधे दोस्तों, तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने अल्मोड़ा और अपने पहाड़ पे। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं टाइम से कल घर पहुँच गई थी, लेकिन रास्ते में मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई हूँ। वो सब आप लोगों को पता है, ये ट्रैफिक की वजह से 3 घंटा 2 घंटा तो हम लोग ट्रैफिक में ही फंसे रह गए। जो सफ़र हमारा 2 या 3 घंटे का था वो 6 घंटे का हो गया था। सो वहाँ तो इरिटेशन बहुत ही ज़्यादा हुई है, लेकिन घर पहुँच गई थी। जो भी है, रात को बॉडी पेन से वैसे ही परेशान रही थी, क्योंकि एक तो कल ये हो गया था ना कि मॉर्निंग से 9 बजे से रात के ऑलमोस्ट 9 बजे गए थे, 8:30 बजे घर पहुँची हूँ मैं, तो वो लगातार ही मैं सिटिंग पोजिशन में थी। और ट्रेन में कम से कम ये तो फ़ायदा और है था कि तुम बैठ जाओ लेट जाओ, हमारे पास 2 सिचुएशन थी, लेकिन कल के मामले में ऐसा नहीं था। तो जो भी है, अच्छे तरीके से घर पहुँच गया और चाहिए क्या। तो अभी ना मेरी जो राधे है वो सोई हुई है, तो मम्मी और ध्रुव तो यहाँ नहीं है, ननिहाल गए हुए हैं, मैंने आपको कल बताया भी होगा। फिलहाल हम भी चलते हैं नीचे, मेरे कपड़े इतने गंदे हो रहे तो उनको वॉश करना, मशीन में डालती हूँ। बाकी फिर मिलते हैं आपसे। कुछ बनाने की कोशिश कर रही है, इसका कहना है कि ये आइसक्रीम बना रही है दूध वाली। wow! दूध है, कहाँ है दूध? उसमें मैंने शक्कर डाल ली थी इसलिए वो कलर चेंज हो गया उसमें, गुड़ वाले शक्कर। हाँ। अच्छा, और बाकी ये देखो चॉकलेट को ऐसा कर दिया है, देखेंगे दिन में क्या रिजल्ट आता है। ये कुछ भी करती है मेरी दीदी, एक्सपेरिमेंट करती है। अभी वो डालनी काजू बादाम, वो भी डालेंगी। पक्का भाई याद होने वाला है, पक्का भाई याद होने वाला है। मैं डालूं पहले वो दूध में जो तूने शक्कर मिलाई है, उसको अच्छे से ऊपर रोस्ट कर दे। क्यों परसों बनाई तूने? नहीं खाई? नहीं, कौन सी बनाई? ओहो, तूने थी यहाँ? नहीं थी मैं यहाँ, तो मैंने एक दिन पहले बार बना चुकी हूँ शक्कर में। तो ऐसा बोलना, मैंने पहले भी बनाई थी तो अच्छी बनी थी। तो अली के उसे मैंने चॉकलेट भी डाली थी, मुझे लगा तू भी थी। यू शुड टेल मी ना फर्स्ट, तू भी थी यहाँ? अरे तू तो वहाँ गई थी मुंबई गई थी घूमने। घूमने खाई मैंने, खाई अच्छू ने भी खाई थी। चल ठीक है, तू बना फिर मुझे भी खिलाना भाई। और खाना क्या, खाना क्या बना रही है? खाना तो कुछ नहीं बना रही, कितनी बुरी है ये, ऐसा कर रही है देखो। तू थी नहीं ना, वरना तेरे व्लॉग में ले रही थी। तो दीदी ने ये जो पहले चॉकलेट थोड़ी थोड़ी वो कोर कर रखी है वो पहले वो डाल रही है, फिर उसके बाद दूध डालेगी है दीदी। और वो काजू के लिए तो पहले उनको रोस्ट करती हूँ वो माइक्रोवेव में। चल पहले तो दूध डाल, वैसे भी ये रोस्ट कर रखे हैं। अब इसको इसमें ऐसे 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 स्मैश करेगी, तो जिसमें ये दीदी वो करने वाली ना कुट 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 ये हमने रहता है सहारनपुर से लिया था लकड़ी बाजार से, वहाँ बहुत मस्त मस्त आइटम आते हैं दोस्तों। मुश्किल लग रहा है, इसमें पड़ेगा अच्छे से करना। नहीं तो नहीं, नहीं हो रहा है। इन्हें ना इसको कूट दिया है अच्छे से, छोटे 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 बारीक कर कर कूट दिया इससे। अब इसको इसमें मिक्स करी, जल्दी करना मिक्स। हम फूड ब्लॉगर थोड़ी है जो ये सारे वर्ड याद। दैट्स राइट ब्रो। तो दीदी की चॉकलेट और दीदी के ये जो काजू और बादाम का मिक्सचर है दोनों ही मिक्स हो गए, अच्छे से मिक्स हो गए। अब अच्छा लग रहा है कि कुछ अच्छा हो सकता है जो दीदी करने की कोशिश कर रही थी। बट ना दीदी, इसमें अगली बार बनाएगी ना पाउडर वाला मिल्क भी ऐड करना, उसी से थोड़ा वो होगा ना, वरना बर्फ जैसी लगेगी क्योंकि दूध में पानी तो मिला होता ही है, कुछ भी करें। सो देखते हैं दोस्तों उसका फाइनल रिजल्ट कैसा निकलता है। फिलहाल मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर पे। देखो हमारी राधे नहा कर रेडी हो गई है। राधे ने तो एक अपनी छोटा सा नैप भी लिया ना अभी, है ना, और दूध भी पिया है ना बाबू, है ना राधे। राधे मासी लव्स यू, माछीमा लव्स यू सो मच बाबू, माछीमा लव्स यू सो 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 मच, पता आपको है ना, है ना,
गुजी। अभी ये ना बहुत हैप्पी हैप्पी फील कर रही, क्योंकि इसका छोटा सा नैप भी पूरा हुआ है, इसने अभी अभी दूध भी पिया है, तो उसका जो टमी है वो थोड़ा फुलफुल है। दैट्स व्हाई शी इज स्माइलिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन ना। तो दगड़ियो, हमारे खाना खाने की अभी तैयारी हो रही है। अभी मैं आपको बस कुकर और रोटी के टिफिन का बर्तन ही लेकर आई हूँ। और दीदी मुझे बता रही है कि इसके लिए दीदी ने ना जो बिब होता है ना उसका पूरा मतलब प्रॉपर टाइप का मंगा रखा, जिससे बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएगी और कुछ गिरेगा तो मतलब उसमें सब कवर हो जाएगा। तो अभी हमने भाव के लिए बनाया है। दीदी क्या बनाया है? एप्पल प्यूरी। तो इसको दीदी ने कैसे बनाया है हम आपको कभी और दिन बताएंगे। और अभी फिलहाल दीदी दी भाव को कैसे पैक कर रही है वो देखो आप बिब में। लड़की तो हर चीज मुंह में डाल दे रही है, मैं बहुत परेशान हो गई हूं। मम्मी तू इसको पहनाया है दीदी। जल्दी जल्दी कर बाबा, माची को भी भूख लग रहा है। इसकी वजह से हमने भी खाना नहीं खाया, क्योंकि हम जब खाना खाते हैं ये भी मांगती है, इसलिए हमने कहा तभी खाएंगे जब इसको, इसके लिए हम बनाएंगे कुछ, हम खाना खाएंगे इसको ले खिलाएंगे। है ना नानू, है ना नानू, मास्टर शेफ, वो हमारी मास्टर शेफ। तो बेटू उसको खाना नहीं है। बड़ा हो रहा है अभी। हाँ बड़ा हो रहा है। आ करो हाथ नहीं। मम्मी आप भी खाओ, ये अच्छा नहीं हो रहा है। इसका फेस देखो, फेस खट्टा लग रहा है, खट्टा हो रहा है थोड़ा। मुझे लग रहा है उसको पसंद नहीं आ रहा। दीदी एक दिन पहले खिलाया था हमने, मम्मी और मैंने। हैं? अच्छा। यम्मी 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 पसंद नहीं आ रहा क्या? इतनी मेहनत से बनाया हमने, पसंद नहीं आ रहा। इसको वही झोली भात चाहिए दीदी जो बनाया हमने। हाँ अभी हम खाएंगे, माई की भी यही खिलाऊंगी मैं। सो दोस्तों अभी ना दीदी भाव को हमारी अभी भी वही खिलाने पे लगी है एप्पल प्यूरी, और मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। मैं तो उससे कहा तो उसको खिलाते हुए मैं अब खाना खा लेती हूँ, क्योंकि इसके चक्कर में आगे से हमने खाना ही नहीं खाया। सो आज बना रखा है घर पे छोली और चावल, रोटी और रायता भी है, तो फटाफट से खाते हैं। मेरे को तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, अब रुक ही नहीं जा रहा। दीदी आप आराम से खाते रहना। इसको देखो दे असली ठाट तो मेरी राधे के हो रहे हैं। कभी 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 ये दूध पी रहा है, कभी एप्पल प्यूरी खा रहा है, कभी ये बनाना खा रहा है। है राधे आपके तो बल्ले बल्ले हो रखे हैं। और दिन बैठ के खिलाते थे ना। अच्छा रुक मैं इसका वो लेकर आती हूँ, रुक जा। इसका हम ये लेकर जाते ड्राई शीट, और इसका ये इसको देखो, हमारी राधे को देखो। राधे लो लो राधे, और चलेगा दोनों हाथ से पकड़ो ना। इतनी पावर थोड़ी आई है आप में अभी, दोनों हाथों से पकड़ो। अरे मेरी लाडू। आरू पीछे से लगेगा उसको, देखना पीछे कुशन रख, पीछे को धक्का मारती नहीं। अल्लाह अब सेट होगी मेरी राधे, नाउ यू कैन ईट। देखो तो अब तो हमारी राधे खुद से लेने लगी चीजें हाथ में, है ना राधे? थोड़ा थोड़ा इंडिपेंडेंट होने लग गई हैं। हाँ कह रही होगी गुड। अरे भाई इतनी तारीफ मत करो उस लड़की की, इतनी तारीफ नहीं करो। मासी इतनी तारीफ मत करो मेरी, मैं आपको गलत प्रूफ कर दूंगी। यार राधे ऐसे नहीं, गुड 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 अरे गुजू गुजू देखना भी गिटार की आवाज सुन लगे सकती है। डांस करने हमारे
हमारी जो राधे है ना उसको साथ में एंटरटेनमेंट के लिए कुछ चाहिए हो रहा है। मैं गिटार लेकर, खैर मुझे आता तो नहीं है वो आप लोगों को भी पता है, लेकिन वो इस चीज को बहुत एंजॉय कर रही है ना राधे, है ना राधे। अच्छा हम राधे राधे करेंगे ओके। राधे 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 ऐसा एंटरटेनमेंट चाहिए होता है। अगर इसको ये माहौल नहीं मिल रहा होता है तो ये या तो रोएगी या तो ये सबको परेशान कर देगी, है ना मेरी बाधे बाधे कह रही हूँ मैं, है ना मेरी राधे, मेरी राधिका। तो जब दीदी अपने ससुराल जाने वाली है ना, मुझे लग रहा है अपने ससुराल वालों को किसी कोई बैंड बाज वाला बनाने वाली है, किसी कोई जोकर बनाने वाली है, है ना राधे, यही करने लग रहा मुझे आपने अपने घर जाकर। एक जना से डांस करने वाला चाहिए, एक गाना सुनाने वाला चाहिए, डांसर चाहिए, एक जोकर चाहिए, एक बैंड बाजे वाला चाहिए, ये गिटारिस्ट ही बनाने आपके लिए। खुश होगी रे बात से। अब नहीं खाना। She's enjoying a lot. ओके ओके ले Let's start. तू बजाना बंद कर रही तो रोने लग जा रही है। अब देखना कैसा करा इसने। कैसा कर रही है नहीं, क्या हो गया? नहीं क्या बोल रही हूँ, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। दोस्तों शाम के 6:30 बज रहे हैं, इससे पहले हम लोग थोड़ी देर छत पे गए हुए थे लेकिन हमारी जो राधा है ना वो सोने लगी थी तो हम लोग नीचे आ गए और अभी बन रहा है रात का डिनर, मतलब उसकी तैयारी हो रही है। तो अभी अभी जस्ट मार्केट से मैं लौकी लेकर आई हूँ, मैंने वहीं कट करवा ली थी क्योंकि लिफाफे के अंदर इतनी बड़ी लौकी कैसे लगा थी। सो आज रात को बनाने वाले लौकी और फिर खाना खाते हैं और सो जाते हैं। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा बोरिंग सा गया है क्योंकि ना मम्मा घर पे थी ना ध्रुव घर पे था, तो क्या ही करता। और ऊपर से ना मेरा अभी तक सर ही घूमने में लगा हुआ है, बॉडी पेन अलग हो रहा है, अभी थोड़ा कम है तो इस वजह से मैं आपको थोड़ी अच्छी अच्छी फिर भी दिख लूँगी। इससे पहले मैं पता पूरा टाइम सो ही पड़ी हुई थी। सो दोस्तों अभी हम लोगों का डिनर भी हो चुका है और जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आज हमने लौकी की सब्जी बनाई थी तो वो ना उतनी अच्छी बनी बनी थी, तो दीदी और मैंने थोड़ा थोड़ा ही खाया है। सो अभी हम आज के ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। आई नो आज ज़्यादा कुछ हो नहीं सका क्योंकि ना मेरी तबीयत भी ठीक से नहीं हो रही थी, तो जितना हो सका मैंने आज आपके साथ उतना शेयर किया है। और आज मेरे दो पार्सल भी आए थे, एक मेरा और एक मम्मा का। सो वो ना मैं कल ओपन करूँगी, आपको कल दिखाते हैं। और जो आइसक्रीम हम लोगों ने बनाई थी वो अच्छे से अभी तक मतलब हो ही नहीं थी, तो कल जब मम्मा लोग आएंगे ना तो उसके बाद ही हम लोग आपको दिखाएंगे कि वो बनी कैसी है। फिलहाल हमारी जो राधे है वो मेरे कान्हा जी के साथ एंजॉय कर रही थी, अभी अभी देखो कैसे रो रो रही है। बाबू लगेगा आपको, ये हैं कान्हा जी, ये हैं कान्हा जी। सो मेरी राधे जो है वो थोड़ा सा एंजॉय कर रही है नहीं कर रही है वो उसको खुद भी नहीं पता है। सो आज के व्लॉग को मैं ये प्लान करती हूँ, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। मैं आपसे बात कर रही थी तो हमारी राधे रो रही थी जो कि अभी भी रो रही है। बाबू इधर देखो, व्हाई आर यू क्राइंग? अरे राधे ऐसे देखो। सो दोस्तों मैं आज के ब्लॉग को इनका एंड कर रही हूँ, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं मिलती हूँ आपसे कल अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब,
बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। राधे राधे दोस्तों, राधे राधे।